हेलो एवरीवन, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में आपको बोलना चाह रहा था। जो अभी फिलहाल मेरी नंबर वन फेवरेट हॉबी है वो हैम रेडियो या एमेच्योर रेडियो है। तो बहुत कम लोग इसके बारे में सुने जनरली जो मैं देखा, लेकिन जो लोग सुने उनको बस थोड़ा आइडिया है कि अरे कुछ वॉकी टॉकी रहता है, इससे बात कर सकते बोल के। तो आज मैं चाह रहा था कि इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना कि हैम रेडियो क्या है, क्यों इतना इंटरेस्टिंग है बोल के। आप रेडियो वेव्स यूज़ करके यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ करके दो लोग बातचीत कर सकते हैं। ये तो बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इस अभी मैं उसके डिटेल में जाता हूँ। बेसिकली ये है कि आप जो भी कंट्री में रहते हैं उसकी गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है, उसको एग्ज़ाम देके आप लाइसेंस लेना। एक बार लाइसेंस लेने के बाद आपको एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज दी जाती है। वो रेंज के अंदर और वो पावर लिमिट जो आपको देते हैं हम लोग, उसके अंदर रहते हुए आप लोग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं अलग अलग। ये बहुत ब्रॉड फील्ड है। जैसे कि आपके पास एक नॉर्मल वॉकी टॉकी है हैंड रेडियो वाला और आपके फ्रेंड के पास है और आप सर्टेन किलोमीटर्स के रेंज में अगर है तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ये तो सिंपल जैसा बच्चे टॉय से खेलते वैसा हो गया ना, ये उतना इंप्रेसिव शायद आपको साउंड नहीं कर रहा। अभी मैं एक एक करके आपको और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें बता देता हूँ। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि ये जो वॉकी टॉकी है ये नॉर्मल जो टॉय है उससे अच्छा खासा ज़्यादा रेंज रहता है इसका। मैं जो प्रैक्टिकली ट्राई करा था एटलीस्ट 4 किलोमीटर तक तो गया था, और ज़्यादा भी जा सकता है अगर आप और हाइट पर रहें और ज़्यादा पावर पर ट्रांसमिट करें तो। और इसमें और एक दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं अभी फ़िलहाल इन्वॉल्व हूँ, आप सैटेलाइट्स के थ्रू अपने सिग्नल को बाउंस कर सकते हैं। इसका रेंज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर से यानी कि 2,000-3,000 या इवन 5,000 किलोमीटर तक भी लोग बात कर रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो वो जो सैटेलाइट है उसमें एक रिपीटर रहता, रिपीटर यानी हैम रेडियो का स्पेसिफिक रिपीटर, वो आपके सिग्नल को लेके आगे उसको सेंड करता। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जाके रहते ऊपर, उस पर भी एक हैम रेडियो का रिपीटर लगा हुआ है। तो उसको आप नॉर्मल एक वॉकी टॉकी जो हैम रेडियो का है लाइसेंस वाला, उससे आप सुन सकते हैं। सुनना बहुत बहुत ईजी है। मैं लाइसेंस लेकिन कुछ साल हो गया, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं था कि सुन सकते बोलिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना माइंड ब्लो हो गया कि लोग बात कर रहे हैं, सुन आ रहा उस टाइम पे, करेक्ट टाइम पर करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे तो सुन सकते हैं। और अगर आप बेसिक घर में इजी एक एंटेना बना के आप सिग्नल भेज भी सकते हैं तो आपका सिग्नल आसपास की कंट्रीज तक भी रीच होता है। और ये सब एक्टिविटीज़ के लिए आपको प्रॉपर लीगल एक लाइसेंस की ज़रूरत है, बिना उसके आप ट्रांसमिट नहीं करना, ठीक है। और नेक्स्ट एक्टिविटी और ये एडवांस वाले है, जैसे कि HF बोल के हाई फ्रीक्वेंसी, उसके ज़रिए से आप दूसरे कंट्रीज से बात कर सकते हैं बिना सैटेलाइट के। तो ये सब चीज़ें हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग और थोड़ा हाई लेवल चीज़ें बोले तो मून बाउंस बोल के एक है, यानी आप अर्थ से मून तक सिग्नल भेजते हैं और वो मून से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ तक आता। ये करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन एडवांस लोग करते हैं और बहुत एक्साइटिंग है ये। और कई चीज़ें हैं जैसे कि जैसे ऊपर से सैटेलाइट जाते रहते हैं, उन लोग कभी कभी कुछ स्पेशल इवेंट्स रखते हैं, उन लोग इमेजेस ट्रांसमिट करते हैं और आप उसको रिसीव करके आपको कुछ सर्टिफिकेट मिल सकता है, या अलग अलग कॉम्पिटिशन रहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि वो इमेज कैसे रिसीव करते हैं रेडियो के जरिए। एक स्पेशल SSTE बोल के फॉर्मेट रहता, उसके एक मेथड है बेसिकली, उसके जरिए ऐसा बीप साउंड आता, वो साउंड आप रिसीव करके उसको सेव करके फ़ोन में डिकोड करते आपको इमेज आती है। तो मैं भी ऐसा कुछ इमेजेस डिकोड करा था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। और ये बहुत इजी है। इनिशियली आप एक बार लाइसेंस ले लिए, एक सस्ता वाला एक बेसिक वॉकी टॉकी ले लिए, अराउंड 2,500 रुपये में एक आ जाता, उससे आप ये सब चीज़ें रिसीव कर सकते हैं। एकदम इनिशियल लेवल है, इनिशियल लेवल में जितना एक्साइटमेंट है तो आगे और कितना होगा सोचिए। तो हैम रेडियो बहुत ज़बरदस्त फील्ड है और मेरे भी फिलहाल नंबर वन फेवरेट हॉबी चल रही है, जिसमें आपको बोला था। तो मैं पर्सनली भी ट्राई कर रहा था कई लोगों को इसके लिए इंकरेज करने के लिए और इसमें लाइसेंस दिला के ऑपरेट करने कराने के लिए। लेकिन क्या है, ये फील्ड इतनी नीश फील्ड है यानी कि इतना स्पेसिफिक फील्ड है कि हर कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट आ गया उन लोग पूरा घुस जाने के चांसेस रहते हैं उसमें। तो मैं उसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बोलना चाह रहा था आपको अब ये वीडियो में भी और आगे करके स्लोली स्लोली, ताकि ये वीडियोज़ को देख के आप नॉर्मली उर्दू हिंदी लैंग्वेज में इसको एक्सेसिबल रहता आपके लिए, अगर आप ये लैंग्वेजेस बात करते तो इसको आप आराम से सुन के समझ के एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आगे के वीडियोस में कोशिश करूँगा कि आपको मेरी जर्नी कैसी थी हैम रेडियो का लाइसेंस लेने की, क्या क्या फेलियर्स हुए, क्या क्या सक्सेस हुए, मेरा एंटीना में कैसे बनाया और कैसे नेटवर्किंग करा, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ये चीज़ें बताने का मेरा प्लान है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा
और आगे भी मैं चाहूँगा कि और वीडियोस बना के आपको हेल्प करना है इस चीज़ में।